अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति चाहे जितने ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, धन हो, बुद्धि भी हो, लेकिन जब चरित्र नहीं होता है तो लोग उसका अदब नहीं करते हैं। अदब नहीं करते हैं यदि चरित्र नहीं है तो, समझ लेना इस बात को। और कौन नहीं जानता है, मैं संकेत दे ही रहा था आपको कि क्या आवश्यकता थी इंद्र को गौतम ऋषि के आश्रम जाने की, बोलो भाई क्या आवश्यकता थी। लेकिन गया और ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया, आक्रमण किया तो गौतम आक्रोशित हुए और आक्रोश में आकर के गौतम ने श्राप दे दिया कि तू रोगी हो जा, सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। लेकिन मैं कहना यह चाहता था कि पत्थर बनने का श्राप दिया अहिल्या को और क्या आ जाती है, जड़ता। विरोध करना चाहिए था अहिल्या को और अहिल्या को श्राप देना चाहिए था इंद्र को। गौतम की बात छोड़िए, अहिल्या को याक नहीं दिया, नारायण को श्राप किसने दिया, वृंदा ने दिया। इसका मतलब है कि वृंदा स्वीकार नहीं करना चाहती थी इसलिए श्राप दे दिया, लेकिन अहिल्या मौन हो गई इसलिए वो भी श्राप की भागीदार बन गई। ये ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। याद रखना जब ब्रह्मा बुद्धि का देवता है तो बुद्धि से संबंधित हुई अहिल्या की नहीं हुई। और याद रखना जिस दिन हमारी बुद्धि वासना के प्रति आकर्षित हो जाती है उसी दिन हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। आज वासना के प्रति अहिल्या रूपी बुद्धि आकर्षित हुई तो आज पत्थर की हो गई। इसका मतलब है कि बुद्धि हमारी पत्थर कब होती है, बुद्धि में जड़ता उस समय आती है जब बुद्धि वासना से जुड़ जाती है। और जब हमारी बुद्धि उपासना से जुड़ जाती है तो हमारी बुद्धि में चैतन्यता आ जाती है, हमारी बुद्धि में चैतन्यता का संचार हो जाता है। आज अहिल्या श्रापित होकर के पत्थर हो गई, इंद्र रोगी।